का ही होगा कि थीटा कुछ भी रख के देख लो। दूसरा आपको याद, ये तो दिमाग में आना चाहिए ना कि साइन थ्री थीटा क्या होता है, 3 sin θ - 4 sin³θ, याद आया कि नहीं सबको बोलो। तो अगर हम सी टू को रिप्लेस कर दें सी टू प्लस फोर सी थ्री से, है कि नहीं, सी टू प्लस फोर सी थ्री, तो ये क्या बनेगा बताओ, 1 sin 3θ + 4 sin³θ, तो क्या ये 3 sin θ बनेगा? अरे हाँ या ना। यस सर। अच्छा, 2 cos θ, ये क्या बनेगा, sin 6θ, मतलब हाँ 3 sin 2θ बनेगा, और ये क्या आएगा आपका sin³θ, ये ऐसे ही क्या बनेगा 4 cos²θ - 1 × 3 sin³θ, बोलिए भाई सब लोग। और यहाँ पर क्या आएगा आपका sin³³θ, दिख रहा है कि नहीं? अब अगर आप इस वाले कॉलम को ध्यान से ऑब्जर्व करो, किस वाले कॉलम को, इससे, तो इस पूरे कॉलम से 3 sin θ कॉमन है या नहीं? Yes, sir. तो 3 sin θ कॉमन करके आप बाहर कर लो, क्या बचेगा अंदर, अब ये बताओ, 1 2 cos θ 4 cos²θ - 1 2 cos θ, यहाँ पे जब आप इस साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लिखोगे तो 3 9, और यहाँ पर कितना आएगा 12, 9 और 12, 3 sin θ कॉमन कर लोगे, बोलिए 3 sin θ यहाँ से कॉमन आएगा, है कि नहीं? और 3 मतलब 1 sin θ कॉमन करोगे तो 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 - 4 sin²θ। अब ये देखो sin³θ sin³² θ sin³³θ, अब ये वाली, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम आ रहा है, माइनस क्यों करेंगे, दो कॉलम सेम आ गए ना, जैसे ही दो कॉलम सेम आए आंसर जीरो, नहीं दो कॉलम सेम आ गए ना, C1 और C2 सेम आ गए, तो आंसर सीधा क्या आ गया, जीरो आ गया, दिखा कि नहीं? तो बस एक चीज ऑब्जर्व करनी थी कि साइन थ्री थीटा का रिजल्ट दिखा ना, उसको आप जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे सीधा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, मतलब एक शॉर्टकट जो है वो तो है ही आपके पास, क्योंकि अब वो शॉर्टकट आप कैसे सोच रहे हैं वो इस केस में क्यों लग जाएगा, नहीं समझे भाई, वो जो आप शॉर्टकट सोच रहे हैं वो इस केस में क्यों लग जाएगा, उसका रीजन पता है ना, क्योंकि आपको वैल्यू सारी क्या दी हुई है, कांस्टेंट, भाई हमें ये पता है ना, बिकॉज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज कांस्टेंट, तो हम अगर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इनडिपेंडेंट है किससे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, थीटा, तो हम थीटा कुछ भी रख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू जीरो पुट कर दो, है कि नहीं, और सॉल्व कर दो, अब ये भी शॉर्टकट लगा सकते हैं, बट ये एक शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना, इस सिचुएशन में शॉर्टकट लग जाएगा, बट ये शॉर्टकट हमेशा लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप थीटा जीरो रखकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसी सिचुएशन में जहां आपको एक क्वेश्चन में दिया हो कि डिटरमिनेंट कांस्टेंट है, या ऐसा दिया हो कि ये k टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा है, तो थीटा की कोई भी वैल्यू रख दो और कांस्टेंट k निकाल लो, मतलब अगर ये शॉर्टकट हम केवल उस सिचुएशन में लगा सकते हैं जहां हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे निकालनी हो, तो हम थीटा और उस कांस्टेंट थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, तो हम थीटा की कोई भी वैल्यू रख के काम कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है, ये है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, और वो हमने कैसे सोचा, बिकॉज ऑफ दिस साइन 3 थीटा, क्लियर हुआ, शॉर्टकट ऑफ, हमें ये के निकालना है, और के जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन कांस्टेंट है, तो अब ऐसी सिचुएशन में हम तुरंत क्या करें भाई, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हम एक्स वाई और जेड सबको क्या रख देंगे, क्यों, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट है, जैसे हम सबको 1 पुट करेंगे तो के की वैल्यू तुरंत क्या आ जाएगी, 2 1 1 1 2 1 1 1 2, और इसको भी सीधा सॉल्व कर देंगे, बोलिए भाई, अच्छा अच्छा जीरो रख देते, जीरो रखने पे के नहीं चला जाएगा, अगर आप, अब इन्होंने कहा कि हम एक्स वाई जेड को जीरो रख देते तो के बचेगा कहाँ, है कि नहीं भाई, के हमें कैलकुलेट करना है ना, तो आसान वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी ना, नहीं समझे मेरी बात, यस सर यस, अब आराम से आप इसको सिंपलीफाई कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा, तो 6 यहाँ से क्या बनेगा -1, यहाँ से -1, आंसर इज 4, बात क्लियर हुई, तो ये शॉर्टकट आप हर उस जगह लगा सकते हो, बट याद रखना अगर यहीं पर ये के एक्स वाई का फंक्शन होता
तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको फिर सॉल्व करने की आदत, फिर आप सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाएंगे कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व करना भी बहुत टफ नहीं है, सॉल्व करना भी बहुत टफ नहीं है। आप R1 से R2 माइनस करो, R2 से R1, और उसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख सकते हो, तो वो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं। बट चूंकि हमें k कांस्टेंट निकालना था, इसलिए ये टेक्निक हर उस जगह आप यूज कर सकते हैं। क्या करना है? Yes, sir. मतलब अगर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो अल्फा की पावर 2n, बीटा की पावर 2n और गामा की पावर 2n तो कॉमन कर ही लेंगे। यस सर। 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, 1 बीटा स्क्वायर बीटा की पावर 4, 1 गामा स्क्वायर गामा की पावर 4 आ ही जाएगा। अब याद है आपने एक डिटरमिनेंट पढ़ी है, कौन सी? 1 ए ए स्क्वायर, 1 बी बी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर, याद आया? इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब ए की जगह क्या लिखा हुआ है? अल्फा स्क्वायर, बी की जगह बीटा स्क्वायर, सी की जगह गामा स्क्वायर। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा की पावर 2n, बीटा की पावर 2n, गामा की पावर 2n, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। जैसे ही दोनों को कंपेयर करोगे तो अल्फा बीटा गामा की पावर जो 2n होगा वो किसके बराबर होगा? अल्फा बीटा गामा की पावर 4। तो 2n अगर 4 के बराबर होगा तो n की वैल्यू सीधे सीधे किसके बराबर आ जाएगी? माइनस 2। समझ में आया कि नहीं? तो बस ये वाला स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट का रिजल्ट था जिसको आपने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो कई बार इस तरह की सिचुएशंस आती है जहां पर आप स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट के रिजल्ट यूज करके डायरेक्ट चीजें सिंपलीफाई करके लिखते हैं, फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि दिस माइनस दिस करें। अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट पता है तो सीधा ये रिजल्ट लगा के आप सीधा आंसर लिख देंगे। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। और ये इस टाइप के डिटरमिनेंट के रिजल्ट एक क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होते हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस टाइप के सिचुएशन को यूज करके आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं। बोलिए, अगर अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, देखो मैं ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करना सिखाता हूँ। सपोज मान लो कि एक मैट्रिक्स लिखी होती ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये एक मैट्रिक्स होती ए मान लेते हैं, तो इसका एडजॉइंट अगर आप निकालते तो क्या आता? सोचो भाई, इसका कोफैक्टर लिखते तो बी स्क्वायर माइनस ए सी। बोलो फिर। नहीं, हाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी तो आता। बोलो, ए एलिमेंट का बी स्क्वायर माइनस ए सी आता, बी सी माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, बी सी माइनस ए स्क्वायर आता क्या? ये आता बी सी माइनस ए स्क्वायर। फिर इस बी का क्या आता? बी स्क्वायर माइनस ए सी, यानी ए सी माइनस बी स्क्वायर। बोलो, फिर ए बी माइनस सी स्क्वायर, फिर ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ रिलेशन फील हुआ कि नहीं भाई, क्या करना है? यस सर। देखो तो ये, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका एडजॉइंट लिखा है कि नहीं? अरे हाँ या ना। तो अब आपने तो ये पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर होता है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट डेल्टा टू है और ये डिटरमिनेंट डेल्टा वन है, तो इसका मतलब डेल्टा टू किसके बराबर होगा? डेल्टा वन के स्क्वायर के। सी आंसर होगा। देखा कि नहीं, ये बताओ सोच के। अच्छा, ये मैंने कैसे सोचा कि ये एडजॉइंट है? भाई मैंने देखा बी सी माइनस ए स्क्वायर है और ये बी सी माइनस ए स्क्वायर बन रहा है। देखा कि नहीं बताओ? फिर मैंने देखा यार ए सी माइनस बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस वन की पावर 1+2। तो यार ये कुछ ऐसे माइनर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में लिखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने देखा भाई ये इसके एडजॉइंट से रिलेट कर सकता है, तो सारे एलिमेंट लगभग एडजॉइंट। जैसे ही मैंने देखा कि ये इसके कोफैक्टर से रिलेट कर रहा है, उसका मतलब ये इसका एडजॉइंट हो गया, और एडजॉइंट और एक के डिटरमिनेंट का रेशियो स्क्वायर होता है ये। तो हमें डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से हमारा काम हो गया। क्या ये ऑब्जर्वेशन हमें दिखा सबको? बोलो। अब जैसे मैंने कहा भाई p माइनस a q माइनस b चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं r1 को रिप्लेस कर दूं r1 माइनस r2 से, और r2 को रिप्लेस कर दूं r2 माइनस r3 से। अच्छा, r3 रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि एट ए टाइम तीनों रो रिप्लेस नहीं कर सकते ना। तो अब जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा? p माइनस a, ये क्या बनेगा? b माइनस q। अरे हाँ या ना, ये जीरो हो जाएगा। ये क्या बनेगा? जीरो। ये क्या बनेगा? q माइनस b। ये क्या बनेगा? c माइनस r। ये बनेगा ए, ये बनेगा बी, ये बनेगा आर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अब पहले वाले कॉलम से पी माइनस ए कॉमन कर लो, दूसरे वाले कॉलम से क्यू माइनस बी कॉमन कर लो, तीसरे वाले कॉलम से आर माइनस सी कॉमन कर लो।
तो पहले वाले कॉलम से पी माइनस ए, दूसरे वाले कॉलम से क्यू माइनस बी और तीसरे वाले कॉलम से आर माइनस सी कॉमन। अब जैसे ही कॉमन करोगे तो वन जीरो ए अपॉन पी माइनस ए, फिर माइनस वन वन बी अपॉन क्यू माइनस बी, जीरो माइनस वन आर अपॉन आर माइनस सी, ये वैल्यू भी इक्वल टू जीरो आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया कि ए पी के बराबर नहीं है, बी क्यू के बराबर नहीं है, सी आर के बराबर नहीं है, तो ये तीनों तो कभी जीरो हो नहीं सकते। इसका मतलब यही वाला डिटर्मिनेंट सर्टेनली किसके बराबर होगा, जीरो के। अब सीधे इस वाली रो पर इस डिटर्मिनेंट को क्या कर दो, ओपन कर दो। जैसे ही आप इस वाली रो पे ओपन करोगे तो a अपॉन p माइनस a इसके साथ क्या आ जाएगा, वन, दिख रहा है कि नहीं सबको, बोलो। और माइनस b अपॉन q माइनस b इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस वन, बोलिए। और फिर प्लस r अपॉन r माइनस c उसके साथ भी वन, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब आ गया a अपॉन p माइनस a प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी इक्वल टू जीरो आ गया। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए p, यहाँ चाहिए q, यहाँ चाहिए r। अभी क्या, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ r है, तो यहाँ पर p और q लाने के लिए हमें वन और वन क्या करना पड़ेगा, एड। मेरी बात समझ में आ रही है, तो वन प्लस a अपॉन p माइनस a, वन प्लस b अपॉन q माइनस b एंड r अपॉन r माइनस c इक्वल टू जीरो। अब देखो प्रूव हो गया कि नहीं, अरे हाँ या ना, तो p अपॉन p माइनस ए, q अपॉन q माइनस बी, r अपॉन r माइनस सी इक्वल टू टू, यही हमें प्रूव करना था। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, क्या किया और क्यों किया और ऐसा ही क्यों सोचा इसी डायरेक्शन में। सबसे पहले हमने वही वाले टर्म जनरेट किए जो हमें एक्चुअल में यहाँ चाहिए थे और फिर उन्हीं के हिसाब से हमने इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया। बोलिए क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो रही है? यस सर। भाई पहली चीज हमें कमेंट करना है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पे, और ए बी सी लैम्डा सब नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू के लिए हम क्या पुट कर दें, ए बी सी लैम्डा सबको क्या पुट कर दें बताओ, क्योंकि सब पॉजिटिव ही साइड है ना, कोई निगेटिव तो साइन कहीं है नहीं, सबको वन पुट कर देते हैं। जैसे ही आप वन पुट करोगे क्या आएगा, याद आया, यही लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, बोलो। आप इसको सॉल्व करके भी देखेंगे तो सॉल्व जब भी करोगे तो आंसर में ए बी सी और लैम्डा का ही तो फंक्शन आएगा सॉल्व करने के बाद, बताओ भाई। इसका जो भी आंसर आएगा वो ए बी सी लैम्डा के टर्म में ही तो आएगा, और लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें ए बी सी लैम्डा को हर बार क्या पुट करना पड़ेगा, वन, क्योंकि जब ये सब वन 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 के बराबर होंगे तभी ये लीस्ट वैल्यू होगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये वाला डिटरमिनेंट तो सॉल्व किया ही था, याद आया कि नहीं आपको, बोलिए आंसर क्या आ गया, फोर, तो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई, फोर। अरे हाँ या ना, क्या एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, बस ये बात बताओ। यस सर। तो लीस्ट वैल्यू क्या रही है, ठीक है। तो पहली चीज, जब हम दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करते हैं तो उन दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट को हम रो बाय रो कर सकते हैं, रो बाय कॉलम कर सकते हैं, कॉलम बाय रो कर सकते हैं, कॉलम बाय कॉलम कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने का एक सर्टेन रूल है, बट डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट अगर प्रोडक्ट में लिखी है तो उसको प्रोडक्ट करने का कोई रूल नहीं है। आप रो से रो मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट बना सकते हो, आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट बना सकते हो, आप कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट बना सकते हो, आप कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट बना सकते हो, तो उसमें कहीं कोई फर्क नहीं। और ये तो आपने पढ़ा है ना कि अगर डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री कर दें, तो डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू दो डिटरमिनेंट का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट डेल्टा थ्री के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, याद आया कि नहीं, कि अगर हम ए बी इक्वल टू सी ले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी अगर डिटरमिनेंट सी के बराबर है तो ऑब्वियसली ए और बी के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट सी के बराबर होता है, याद आया कि नहीं। तो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट जो है वो तीसरे डिटरमिनेंट के बराबर होगा ही होगा, ये तो श्योर शॉर्ट बात है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, हाँ है ना। अच्छा, दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हम कैसे भी कर सकते हैं, अब यार जब हम कैसे भी कर ही सकते हैं तो हम दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करके तीसरा डिटरमिनेंट बना के उसका डिटरमिनेंट निकालें, तो मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, तो ऑब्वियसली हमसे कभी भी दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई नहीं कराएगा,
मतलब क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि दो डिटरमिनेंट दिए और उसको मल्टीप्लाई करके हमसे कोई नया डिटरमिनेंट बनवाए और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाले। क्यों भाई, उसका डिटरमिनेंट निकालने का कोई मुद्दा ही नहीं बनेगा ना। क्यों, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, इसका डिटरमिनेंट आ गया, तो इस मल्टीप्लिकेशन का तो कोई बेनिफिट है नहीं। क्वेश्चन जो है ना वो रिवर्स आता है, मतलब एक बड़ी सी डिटरमिनेंट लिखी रहती है जो कि दो छोटी छोटी डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में होती है। हमें यहां से ये ऑब्जर्व करना होता है कि ये बड़ी सी जो डिटरमिनेंट है वो दो छोटी डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है। समझ रहे हो, ऑब्जर्व क्या करना है, ये बड़ी सी जो डिटरमिनेंट है वो इन दो छोटी डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है, और यही ऑब्जर्व करके हम उस बड़ी डिटरमिनेंट को छोटी डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे। क्या ये मेरी बात आप सभी लोग समझ पा रहे हो, मुद्दे की बात समझाओ, क्या ये मेरी बात आप सभी लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? yes, बोलो sir. तो उस बड़ी डिटरमिनेंट को उस छोटी अच्छा, अब कहने का मतलब दो डिटरमिनेंट कैसे भी मल्टीप्लाई हो सकती है, तो हम उनको रो बाय रो ऑब्जर्व करें कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन रो बाय रो में देखो कैसे बन रहा है, या कॉलम बाय कॉलम, या रो बाय कॉलम, या कॉलम बाय कॉलम, कैसे भी मतलब मल्टीप्लाई करके इस डिटरमिनेंट को दो छोटी डिटरमिनेंट में ब्रेक कर देंगे। अब ऑब्जर्वेशन करते कैसे है वो देखो, जैसे अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये बड़ी सी डिटरमिनेंट है, अगर हम इसके पहले रो के एलिमेंट को, पहले कॉलम के एलिमेंट को ऑब्जर्व करें तो देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अरे हाँ है ना, जो पहली रो ऑब्जर्व करो क्योंकि उसमें अल्फा अल्फा बीटा वन अल्फा बीटा वन अल्फा बीटा कॉमन है। हाँ, तो A1 B1 C1 दिखा कि नहीं सबको, ये बताओ, बोलो। तो यानी कि एक A1 B1 C1 है, A1 B1 C1 है, A1 B1 C1 है, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा वन बीटा वन गामा वन, अल्फा टू बीटा टू गामा टू, अल्फा थ्री बीटा थ्री गामा थ्री, क्या है ऑब्जर्वेशन दिखा। इसका मतलब हम तुरंत ब्रेक करके क्या लिखेंगे कि भाई अल्फा वन बीटा वन गामा वन, अल्फा टू बीटा टू गामा टू, अल्फा थ्री बीटा थ्री गामा थ्री, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, A1 B1 C1 से। अच्छा, वो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला वाला जैसे आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, A2 B2 C2 ये सेम फिर से इसी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इसका मतलब अगला एलिमेंट क्या हो गया A2 B2 C2। ऐसे अगला वाला कॉलम ऑब्जर्व करोगे, सॉरी रो ऑब्जर्व करोगे, A3 B3 C3 ये भी कॉमन इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया A3 B3 C3। मेरी बात समझे, ऑब्जर्वेशन कैसे हैंडल कर रहे हैं बताओ। और ये तो आपने पढ़ा है ना कि डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता, तो अब चाहो तो इसका ट्रांसपोज लेके भी लिख दो। अच्छा, अब मान लो हम कॉलम वाइज ऑब्जर्व करते, तो देखो अल्फा वन बीटा वन गामा वन दिखा, तो इसका मतलब अल्फा वन बीटा वन गामा वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 से, दिखा। अच्छा, सेकंड कॉलम ऑब्जर्व करो तो क्या दिखेगा आपको, अल्फा टू बीटा टू गामा टू दिख रहा है कि नहीं, और वो फिर से किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A1 A B1 C1 A2 B2 C2 से। थर्ड कॉलम ऑब्जर्व करो तो अल्फा थ्री बीटा थ्री गामा थ्री किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 से। तो इसका मतलब दो अलग अलग डिटरमिनेंट ऑब्जर्व करके हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या है मेरा ऑब्जर्वेशन देखने का वे आपको दिखा, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें, आवाज आ रही है, तो आप देखो इसमें वही ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करो, तो देखो A1 X1 B1 Y1 फिर A2 X1 B2 Y1 A3 X1 B3 Y1 है कि नहीं। अच्छा, इसमें क्या है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखे, 0 × 0 0 × 0 0 × 0। अब आओ A1 X2 B1 Y2 फिर से 0 × 0 लिख लो, A2 X2 B2 Y2 फिर से 0 × 0 लिख लो, A3 X3 B3 Y3 फिर से 0 × 0 लिख लो, फिर A1 X3 B1 Y3 A2 X3 B2 Y3 A3 X3 B3 Y3 और 0 × 0 0 × 0 0 × 0। अब बताओ दो डिटरमिनेंट दिख रही कि नहीं सबको, बताओ क्या हमें दो डिटरमिनेंट ऑब्जर्व होके दिख रही, X1 Y1 0 X2 Y2 0 X3 Y3 0, क्या ये दिखा सबको, बोलो, बोलिए। A1 B1 0 A2 B2 0
ए थ्री बी थ्री जीरो, ए वन बी वन जीरो, ए टू बी टू जीरो, ए थ्री बी थ्री जीरो, ए वन बी वन जीरो, ए टू बी टू जीरो, ए थ्री बी थ्री जीरो। क्या आपको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट नजर आई? बस ये बताओ, ए वन बी वन जीरो, ए टू बी टू जीरो, ए थ्री बी थ्री जीरो। एक डिटर्मिनेंट एक्स वन वाई वन जीरो, एक्स टू वाई टू जीरो, एक्स थ्री वाई थ्री जीरो। दूसरी डिटर्मिनेंट दोनों में एक एक रो जीरो है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है। क्या एक खेल समझ में आया? अब सोचो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई होती है कि नहीं, और चार ऑप्शन ऐसे लिखे होते कि एक ऑप्शन जीरो था, एक ऑप्शन था ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन, फिर ऐसे ही होता ए एक्स वन माइनस बी वाई, ऐसे करके चार ऑप्शन दे दिए होते, आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती। तो ऐसे तो यार ऑब्जर्व करने में बहुत टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में। अगर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से ऑब्जर्व हो गया। क्या ये कहानी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? वेरी गुड भाई। अगर आप एस वन एस टू एस थ्री ऑब्जर्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एस जीरो का मतलब थ्री नहीं क्या? एस वन का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एस टू का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। सही लिख रहा हूँ मैं? हाँ। फिर अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर प्लस गामा की पावर फोर। देखिए डिटर्मिनेंट वाइज अगर आप लिखेंगे तो यही आएगा। अब अगर आप इसको छोटा सा ऑब्जर्वेशन में लेंगे तो वन इंटू वन, वन इंटू वन, वन इंटू वन, वन इंटू अल्फा, वन इंटू बीटा, वन इंटू गामा, वन इंटू अल्फा स्क्वायर, वन इंटू बीटा स्क्वायर एंड वन इंटू गामा स्क्वायर। इसको देखो तो वन इंटू अल्फा, वन इंटू बीटा, वन इंटू गामा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू सॉरी बीटा इंटू बीटा ना, एंड बीटा इंटू सॉरी गामा इंटू गामा एंड गामा इंटू गामा, फिर अल्फा इंटू नहीं अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, गामा स्क्वायर इंटू गामा। देख लो आराम से, फिर वन इंटू अल्फा स्क्वायर, वन इंटू बीटा स्क्वायर एंड वन इंटू गामा स्क्वायर, फिर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर एंड गामा इंटू गामा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। क्या ये ऑब्जर्वेशन दिखा? अब आप आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि दो डिटर्मिनेंट बन रही है, वन 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 अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यही दो अगली वाली डिटर्मिनेंट बन रही है। अच्छा ये डिटर्मिनेंट तो हमें पता ही, शॉर्ट फॉर्म में क्या होती है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा। इसी का आंसर क्या आ गया? स्क्वायर। क्या ये खेल समझ में आया सबको? दिखा कि नहीं ऑब्जर्वेशन? बोलो, वन 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 समझ में आया, वन 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 और ये वन, फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं ऑब्जर्वेशन? वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, वन बीटा बीटा स्क्वायर, वन गामा गामा स्क्वायर, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, वन बीटा बीटा स्क्वायर, वन गामा गामा स्क्वायर, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, वन बीटा बीटा स्क्वायर, वन गामा गामा स्क्वायर। तो कैसे एक बड़ी सी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके दो छोटी डिटर्मिनेंट में ब्रेक किया और उनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब ये ऑब्जर्वेशन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थ्री को आप क्या लिख सकते हैं? वन प्लस वन प्लस वन, वन एफ वन जो है वो अल्फा बीटा हो जाएगा, एफ टू जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड वन प्लस अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। तो जो दो डिटर्मिनेंट बनेगी वो यही बनेगी, वन 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 ना, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, वन बीटा बीटा स्क्वायर। देखो यही बन रही होंगी। अच्छा इसी को आप लिखेंगे वन माइनस अल्फा, वन माइनस बीटा, बोलिए, एंड अल्फा माइनस बीटा, और इसी का क्या आ जाएगा? स्क्वायर।
के की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुरंत, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, यही आ रहा है कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना, क्या है, सही लिखा है मैंने? बोलो। यस सर। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ये डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो इस डिटरमिनेंट में यहाँ पर बीटा माइनस वन आता है कि नहीं? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर के इक्वल टू वन ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमें ब्रेकिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं ये बताओ, जिनको डाउट है वो ये चीज देख लो, अब आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा कैसे ये दो डिटरमिनेंट हमने बनाई है, वन वन वन, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेकर, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. अगली बार जो कॉमन एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे वो लेके आराम से दो डिटरमिनेंट बना दिए, अब फीलिंग खत्म। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया समझ गया। तो अगर आप बी मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करोगे, तो इसमें बस इतना ही ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान ही देना था, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करके देखोगे तो एबीसी के टर्म में लिखा है ना, तो ये लिखा हुआ ए इंटू जीरो बी इंटू वन सी इंटू वन, देखो जरा ध्यान से, फिर ए इंटू वन बी इंटू जीरो और सी इंटू वन, फिर a इंटू वन बी इंटू वन और c इंटू जीरो, ध्यान से देखते जाना, फिर a इंटू वन बी इंटू जीरो और c इंटू वन, फिर a इंटू वन बी इंटू वन और c इंटू जीरो, फिर b सॉरी a इंटू जीरो बी इंटू वन और c इंटू वन, फिर a इंटू वन बी इंटू वन और c इंटू जीरो, फिर a इंटू जीरो बी इंटू वन और c इंटू वन, फिर A into 1, B into 0 और C into 1। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, जरा ऑब्जर्व करना शुरू करें। A, B, C। बोलो हाँ या ना, A, B, C दिखा सबको? A नहीं, पहला एलिमेंट सब में A, B, C कॉमन कर लो, A, B, C, A, B, C, फिर A, B, C, A, B, C, A, B, C, है कि नहीं? फिर ए बी सी ए बी सी ए बी सी, मतलब अच्छा ये तो अभी रुको, ऑब्जर्वेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको सही से करना पड़ेगा। हाँ यहाँ तक ऑब्जर्वेशन पहले लाइन में क्लियर है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो पहला एलिमेंट जीरो वन जीरो है, तो इसको भी जीरो वन जीरो की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। बोलो, अब जैसे आप इसको जीरो वन जीरो की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? बोलो, जीरो वन और वन की फॉर्म में ना। हाँ तो जीरो के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा इस बार? बी। वन के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? सी और ए। फिर जीरो वन वन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे क्या आएगा? बी सी ए बी, फिर ए बी सी, देखो जरा ध्यान से, दिखा? अब जरा सोच के देखना, बी सी ए सी बी सी, देखो सॉरी उल्टा लिख दिया, सी ए बी आएगा ना, सी ए बी, अभी ठीक है। देखो ऑब्जर्वेशन के लिए हो रहा, तो एक रो के एक उसके मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है? ए बी सी बी सी ए सी ए बी, और एक के एलिमेंट क्या है? जीरो वन वन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? फिर अगली बार इसी फॉर्मेट में इसको लिखो, जैसे फिर से इस फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या आएगा? देखो B into 1, अरे हाँ या ना, फिर C into 0 और फिर A into 1, देख लो, फिर C into 0 A into 1 B into 1, अरे हाँ या ना, क्या है ऑब्जर्वेशन क्लियर हो रहा है सबको बताओ? बोलिए भाई, क्या ये ऑब्जर्वेशन हमें क्लियर हो रहा है? बोलो भाई, देखो जरा ध्यान से, क्या ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? एबीसी तीनों से एबीसी कॉमन करेंगे, क्या कह रहे हो? एबीसी से तीनों से कॉमन हो जाएगी ना? हाँ नहीं, मैट्रिक्स उसी सेम फॉर्मेट में हमने लिख ली ना, मतलब जो फॉर्म मैं आपको समझाना चाह रहा था आप उसी फॉर्म में वो मैट्रिक्स लिखते चले जा रहे हैं बस, और कुछ आप नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए पहले, क्या ये फॉर्म दिखी? उसी फॉर्मेट में वो मैट्रिक्स लिखी है कि नहीं बताओ?
अब दो मैट्रिक्स, ये बड़ा सा डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, और दूसरा डिटरमिनेंट क्या है, जीरो वन वन, वन जीरो वन और वन वन जीरो। देखो जरा ध्यान से, जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। अब तो खत्म, ये वाला डिटरमिनेंट क्या हो गया, ए हो गया कि नहीं हो गया बताओ, और इसका डिटरमिनेंट आप आराम से निकाल ही लेंगे जब चाहेंगे तो, हाँ या ना। इसका मतलब ए जो है वो बी इंटू सी के बराबर हो गया, तो जो डिटरमिनेंट ए हो गया वो डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट सी के बराबर हो गया। देखो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बी जो डिटरमिनेंट आया वो ए इंटू सी के बराबर हो गया, तो जो डिटरमिनेंट बी आया वो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट सी के बराबर हो गया। अब अगर मैं बोलूं तो डिटरमिनेंट बी बाई डिटरमिनेंट ए किसके बराबर हो गया, डिटरमिनेंट सी के, और सी का डिटरमिनेंट तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं। बोलिए माइनस वन, तो ये माइनस वन आएगा और प्लस वन, वन आएगा, आंसर टू आ जाएगा। देख लीजिए भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अब सोचो भाई इतने पार्ट में ब्रेक करने का तो कोई फायदा नहीं ना, सीधा आपने उस डिटरमिनेंट को ब्रेक करके लिख दिया, हाँ या ना। यस सर, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, बोलिए कैसे ब्रेकिंग, कैसे ब्रेकिंग देखी ये बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ या ना, बोलिए कैसे मैं ब्रेकिंग देख पा, कैसे लिख पा रहे हैं, बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो मुझे बता सकता है। तो अब इस तरह के फॉर्म में आएगा, एबीसी का सम करके यहाँ दिया रहेगा, तो आप आराम से उसको ब्रेक करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो वो बड़ा सा डिटरमिनेंट दो छोटे डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा, और ये आराम से इस टाइप के कांस्टेंट की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, इस टाइप के कांस्टेंट की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें आपको कोई डाउट, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो पहला तो आप ये तो पढ़ते आ रहे होंगे, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सही है ना। तो पहले तो हम काउंटिंग रूल सीख लेते हैं, काउंटिंग रूल में वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं। तो काउंटिंग रूल मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक क्या करते हैं कि आप कई सारे केसेस के रिजल्ट की काउंटिंग को एड करते हैं, एक बार आप क्या करते हैं कई सारे रिजल्ट्स की काउंटिंग को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो दो रूल होते हैं, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। जैसे एक रूम है, ठीक है, इस रूम की इस सरफेस पर दो डोर हैं, ठीक है, फेज ए पर, ठीक है, फेज टू पर तीन डोर है, फेज थ्री पर दो डोर है, और फेज जो चौथी है उस पर चार डोर है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, तो फेज वन, फेज टू, फेज थ्री एंड फेज फोर, ये चार है। एक पर्सन यहां खड़ा हुआ है ए, ठीक है, और एक पर्सन यहां खड़ा हुआ है बी, सही है ना भाई, हो गया। अच्छा, कंडीशन पहला सवाल ये है कि ए को बाहर आना है, तो हाउ मेनी वेज ए comes out, बताओ how many ways a comes out। A कितने तरीके से बाहर आ सकता है, अब ध्यान से देखना। अगर मैं A के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े होकर चीजें देखूं, तो A इस फेस से, इस फेस के दो डोर यूज कर सकता है, इस फेस से बाहर आने के लिए तीन डोर यूज कर सकता है, इस फेस से बाहर आने के लिए दो डोर यूज कर सकता है, इस फेस से बाहर आने के लिए कितने डोर यूज कर सकता है, बोलो, चार। तो यानी कि ए बाहर आने के लिए कितने वेज ले सकता है, तो इसका मतलब ए क्या कर सकता है, आइदर वन से बाहर आए, और टू से बाहर आए, और थ्री से बाहर आए, और फोर से बाहर आए। मतलब जब कैसा हो कि किसी भी कई सारे इवेंट्स को करने के लिए या तो ए वे मतलब ए के तरीके से हो सके, और बी के तरीके से हो सके, और सी के तरीके से हो सके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सारे केसेस के रिजल्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस फोर, समझ में आया कि नहीं, तो इलेवन वेज से ए बाहर आ सकता है। बोलिए
मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अब यहीं पे दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता कि हाउ मैनी वेज बी कम्स इन बाई फेज वन बाई यूजिंग फेज वन एंड कम्स आउट बाई यूजिंग फेज फोर। अब क्या होगा बताओ, मतलब अब कंडीशन क्या है कि जब बी अंदर जाए तो फेज वन से जाए और बाहर आए तो फेज टू से आए, इसका मतलब एक दोनों केस एक साथ यूज हो रहे हैं कि नहीं? मतलब इस फेस को भी यूज करना है उसको और इस फेस को भी यूज करना है, इन दोनों को की तो बात ही नहीं हो रही है। तो अब इस फेस को यूज करने के लिए उसके पास ऑप्शन कितने हैं? दो। इस फेस से बाहर आने के लिए उसके पास ऑप्शन कितने हैं? फोर। तो अब टोटल वेज कितने होंगे? टू इंटू फोर दैट इज एट वेज। मेरी बात समझ में आ रही? कब मल्टीप्लीकेशन करेंगे और कब डिविजन करेंगे, बोलिए क्या ये बात सबको समझ में आई? बताइए। अब यहीं पे मैं आपसे पूछूं, हाउ मैनी वेज बी कम्स इन बाय यूजिंग फेज वन एंड कम्स आउट By any phase। अब बताओ आंसर क्या होगा, बोलिए। अब आंसर क्या हो है? 22। क्यों? क्योंकि टू वेज से वो इन हो सकता है और किसी भी फेज से बाहर आ सकता है, तो 11 फेज से वो बाहर आ सकता है, तो आंसर क्या हुआ? 22 वेज। तो ये प्रिंसिपल आप काउंटिंग में एडिशन कब करेंगे? जब सारे केसेस में कोई किसी केस से आप काम कर सकते हैं तो आप सारे केस के रिजल्ट को जनरली ऐड करते हैं, और जब एक केस के होने से दूसरा केस इफेक्टेड हो, यानी कि या ए से हो एंड बी भी इन्वॉल्व हो जाए, तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या इस क्वेश्चन से आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल में डिफरेंस समझ में आया? सामने एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और आपको उसको अरेंज करना है एक रो में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एन फैक्टोरियल। n distinct object arrange in a row, तो total ways कितने होंगे? n factorial। n distinct object arrange in a row, तो total ways हमेशा कितने आएंगे? n factorial। क्यों? obviously अगर n object आपको arrange करना है तो ऐसा होगा ना कि भाई आपके पास n place होंगे, logic behind क्या चलेगा? आपके पास n place होंगे, पहले place को fill करने के लिए आपके पास n options होंगे। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ गया तो दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे? n माइनस वन ऑप्शन। फिर अगले प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे? n माइनस टू ऑप्शन। ऐसे करते करते इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे और इस प्लेस को फिल करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा। अच्छा, हर प्लेस के इफेक्ट से दूसरा ऑप्शन इफेक्ट होगा। भाई n a पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन, n एंड दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए एंड तीसरे प्लेस को, तो टोटल वेज क्या होगा? टोटल वेज हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेके टू इंटू वन, दैट इज एन फैक्टोरियल। अरे हाँ या ना, बोलिए। तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ रो, ये हो गया। अच्छा, इसी में एन अलाइक ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ रो हो तो अब नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? भाई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं ना, तो कैसे भी रखो, हर कितने भी प्लेस पे रखो, सबको रखने का एक ही तरीका होगा, तो नंबर ऑफ वेज हमेशा वन होगा। मतलब अगर एन अलाइक ऑब्जेक्ट एक रो में अरेंज किए जाएं तो उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, बट अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक रो में अरेंज किया जाए तो उसको अरेंज करने का n factorial way होगा। ये सबसे important पहला रूल है कि अगर आप n distinct object लें और उनको एक row में arrange कर दें तो उसको arrange करने का तरीका n factorial हो गया। हाँ या ना,
और अगर n अलाइक ऑब्जेक्ट आपने और उनको एक रो में अरेंज करें तो उसको अरेंज करने का एक वे हो गया। क्या ये दोनों रूल हमें समझ में आए, बताइए। Yes. बोलो। अच्छा, अब इसी रूल को हम कंबाइन कर देते हैं। मतलब भाई अभी क्या था, सारे ऑब्जेक्ट या तो डिस्टिंक्ट थे तो हमने अरेंज कर दिया, सारे ऑब्जेक्ट अगर सेम थे तो हमने अरेंज कर दिया। अब क्या है कि आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पी एंड क्यू, सॉरी पी ऑब्जेक्ट अलाइक, क्यू ऑब्जेक्ट अलाइक एंड रेस्ट आर डिस्टिंक्ट, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन अ रो। अब इनको एक रो में अरेंज करना है हमें, समझ रहे हो? तो टोटल वेज कितने होंगे? अब जो टोटल वेज आएंगे वो आएंगे n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जितने ऑब्जेक्ट सेम टाइप के होंगे, मतलब आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट p ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, q ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं और बाकी डिस्टिंक्ट हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है अरेंजिंग का वो है कितना, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। मतलब जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है कि नहीं है भाई? बोलिए भाई। p ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं तो उनको अरेंज करने का, अगर भाई हमको n ऑब्जेक्ट एक रो में अरेंज करने तो हमने वही सेम काम किया होगा, हमने n ऑब्जेक्ट एक रो में अरेंज किया तो टोटल तो n हो गए। अब इसमें p ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, q ऑब्जेक्ट एक तरीके के हैं, तो उनका आपस में तो कोई डिवीजन होगा नहीं, तो वो डिवीजन उतने टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो हम उसी से डिवाइड करके उसको हटा देंगे, तो आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। क्या ये मेरी पूरी बात समझ में आ रही है सबको? किसी को इस पूरे स्टेटमेंट में समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब हमें क्या करना है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, वो भी r प्लेसेस पे। तो उसका तरीका भाई, पहले प्लेस को फिल करने के लिए n, दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए n माइनस टू वेज, तीसरे प्लेस को फिल करने के लिए n माइनस थ्री, ऐसे rth प्लेस को फिल करने के लिए n माइनस आर माइनस वन वेज। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, इसका मतलब n p r, इसका मतलब n p r। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको हम कॉम्बिनेशन से बाद में रिलेट किया करेंगे, बट अभी के लिए हम समझ गए पहले प्लेस को फिल करने के लिए n, तो n p r। अब इसको या तो आप ये रिजल्ट दिमाग में रख लो या ऐसे प्रोडक्ट से आप दिमाग में रख लो, तो जहां आपको जो सिचुएशन लगानी हो उसके हिसाब से आप वो काम मल्टीप्लाई करके आप लगा दो। तो NPR या तो याद रख लो, मेरे हिसाब से ये याद रखना आपको प्रेफर नहीं है, आप बस ये ध्यान रखो कि वो n into उतने टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करके सीधा आप अरेंज कर दोगे। एक NCR होता है, NCR तो अभी बाद में आएगा ना, जब चीजें कंबाइन करेंगे। इन्होंने कहा NCR, तो अरेंजमेंट का मतलब होता है पहले सेलेक्ट करो और फिर क्या करो, अरेंज करो। तो अरेंजमेंट में सिलेक्शन और प्लस अरेंजमेंट दोनों काउंट होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हम क्या करें, सॉरी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट काउंट होता है। तो अगर हमें चीजें कंबाइन करके रखनी है तो पहले हम चीजें सेलेक्ट करेंगे फिर उनको अरेंज करेंगे। अभी हम क्या है, सिर्फ चीजें अरेंज कर रहे हैं, उनको कंबाइन नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? तो जब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो चीजें कंबाइन करेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने जैसे जितने रूल पढ़े उसके हिसाब से अगर चीजें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाली आएंगी तब हम बात कर रहे हैं। तो अभी जितना हम चीजें पढ़ रहे थे कि n आपके पास ऑब्जेक्ट थे उनको आपने एक रो में अरेंज कर दिया, n ऑब्जेक्ट थे उनमें से p q सेम टाइप के थे तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, है ना? मतलब अभी तक आप जितने भी केस आपने पढ़े उनमें सब में रिपीटेशन जो है, मतलब चीजें रिपीट नहीं कर रहे हैं। आपके पास n ऑब्जेक्ट है, n प्लेस है, आपके पास n ऑब्जेक्ट है, r प्लेस है, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक बार एक प्लेस पर रख के उसको दोबारा किसी दूसरे प्लेस पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप रिपीट ऑब्जेक्ट नहीं करा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। मतलब अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमें एक रो में अरेंज करना है, वो भी रिपीटेशन अलाउड है, मतलब हर प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट है,
भाई अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो पहले प्लेस पर जो ऑब्जेक्ट रख दिया वो अगले प्लेस पे नहीं रखेंगे, तो यानी एन माइनस टू दो पे रख दिया तो अब आगे नहीं रिपीट करेंगे। बट जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो हम कैसे भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं ना, तो टोटल वेज हमारे पास एन की पावर एन हो गए। तो टोटल वेज हमारे पास क्या हो गए, एन की पावर एन हो गए। ये हो गया वेज, वेज को अरेंज करने का तरीका। अच्छा, अब इसी में एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपको एक रो में अरेंज करना है, ठीक है। पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उन्हें हमेशा साथ में रखना है। बोलिए, तो अब होगा क्या, हमारे पास अब दो ग्रुप बन गए ना, एक ग्रुप में हमारे पास पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं, हमारे पास दो बॉक्स बन गए ना, एक बॉक्स में पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और दूसरा बॉक्स है जिसमें कितने ऑब्जेक्ट है बताओ। अरे यार, दूसरा बॉक्स है जिसमें कितने ऑब्जेक्ट है बोलो, एन माइनस पी ऑब्जेक्ट है। तो अब ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इसको हमें हमेशा एक साथ रखना है, ये पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो अब टोटल ऑब्जेक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो कितने हो गए आपके पास बोलो, एन माइनस पी प्लस वन ऑब्जेक्ट हो गए कि नहीं। ये तो सारे ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ रहेंगे ना, तो टोटल वेज कितने हो गए जल्दी बताओ सोच के भाई, एन माइनस पी प्लस वन ऑब्जेक्ट को एक रो में अरेंज कर दो, ये तो ये हो गया। अच्छा, ये जो पी ऑब्जेक्ट है ये आपस में तो अरेंज हो ही सकते हैं, इनको भी अरेंज कर दो। क्या ये बात आपको समझ में आई, अगर पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ रखने हो तो उनको आप एक साथ कंबाइन करके टाइट अप करके एक साथ एक बॉक्स में कर दो। तो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए एन माइनस पी प्लस वन डिस्टिंक्ट। अब इनको हमने एक रो में अरेंज किया तो n माइनस पी प्लस वन वेज हो गए। अच्छा, जो ये p ऑब्जेक्ट एक साथ टाइट अप है ये तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं ना, उनको हमने अलग से अरेंज कर दिया। क्या ये कहानी हमें समझ में आई बताओ बोलो, क्या ये कहानी हमें समझ में आई बताइए भाई। अब क्या है कि p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो कभी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो टोटल में से n फैक्टोरियल माइनस n माइनस p प्लस 1 का फैक्टोरियल, टोटल वैसे हम क्या माइनस कर देंगे, कम्स टुगेदर वाला एन माइनस पी प्लस वन। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं बोलो, तो एन फैक्टोरियल में से क्या माइनस कर दोगे, पी फैक्टोरियल इनटू एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं ये बताओ, बोलिए। तो सारे केस क्लियर हुए, कहां पर क्या करना है और क्यों करना है बोलिए। अरे हाँ या ना, यस सर, डाउट आ रहा हो तो बताइए मुझे। इससे कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हो सोचो जल्दी, अगर आप ध्यान से काउंट करोगे तो। नहीं नहीं, थ्री ए है आपके पास भाई, रिपीटिशन भी तो हो रहा है, नहीं समझ हो रहे हैं क्या। तो आपके पास फोर ए है और क्या क्या है जल्दी बताओ, टू एल एस है और बस, बाकी डिफरेंट में क्या है फिर, एच है बी है और डी है, देखो यही तो है। अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब ये सारे वर्ड अलाइक हैं कि नहीं है, तो टोटल वेज कितने हो गए बोलो, नाइन फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बताओ, बोलिए भाई। अरे हाँ या ना, अच्छा यहीं पे मैं पूछता, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद एल, अब आंसर क्या होता, वर्ड ए से स्टार्ट हो और एल से एंड हो तब टोटल वर्ड्स कितने होते जल्दी बताओ भाई। ऑब्वियसली अगर वर्ड ए से स्टार्ट होता तो पहले प्लेस पर ए फिक्स है, यहाँ पर L से एंड होता तो लास्ट वाले प्लेस पे एक L फिक्स है, बाकी बचे हुए सेवन प्लेस को हमें अरेंज करना होता और उसको अरेंज करने के लिए हमारे पास सेवन ऑब्जेक्ट होते जिसमें तीन A हो जाते और एक L हो जाता। तो अब आंसर में क्या हो जाता बोलो भाई, पहले प्लेस पर एक L, दूसरे प्लेस पर एक A और L तो फिक्स हो गए, बाकी सेवन फैक्टोरियल बाई थ्री फैक्टोरियल बचता कि नहीं, तो टोटल आंसर सेवन फैक्टोरियल बाई थ्री फैक्टोरियल आता कि नहीं, सोच के जवाब दो बोलो। अरे हाँ या ना, अच्छा यहीं पे मैं पूछ देता, वर्ड्स इन विच ऑल ए
comes together. अब आंसर क्या होता? बोलो, बोलिए। हाँ भाई जल्दी से बताओ सारे। अब आंसर में हम क्या करते हैं भाई? सारे अच्छा देखता हूँ भैया, मैं क्या करना है, सारे ए एक साथ करने, तो मैं सारे एक साथ कंबाइन कर देता तो ये एक हो जाता, और बाकी ये कितने थे, कितने थे, फाइव और वन, सिक्स हो जाता, तो टोटल सिक्स फैक्टोरियल से तो ये अरेंज हो जाता। अच्छा ए को अरेंज, सारे ए तो कंबाइन है ना, तो उसको अरेंज करने का एक ही तरीका होता, और होल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आंसर सिक्स फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल आता कि नहीं, बोलो सोचो कैसे, बोलिए कैसे, समझ में आया कि नहीं? Yes, भाई एक बॉक्स में सारे ए रख दिए हमने उठा के, और पांच लेटर के लिए ये हो गया 2L, H, B और D। नहीं समझे मेरी बात? तो टोटल ये बॉक्स कितने हो गए हमारे पास, सिक्स। ए को अरेंज करने का एक ही तरीका हुआ, क्योंकि ए तो सारे सेम अलाइक ऑब्जेक्ट है ना, और आपने पढ़ा है ना सारे इक्वल ऑब्जेक्ट को एक रो में अरेंज करने का एक ही तरीका हुआ, बोलिए। और yes, इसको yes. जब आप दोबारा अरेंज करेंगे तो इस पूरे बॉक्स में, अब ये तो एक ही है ना, यहाँ पर सिर्फ दो एल अलाइक टाइप दिख रहा है, तो टू फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ, बोलिए। गुड, अगले वाले क्वेश्चंस के आंसर दो जरा जल्दी से। हाँ, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी बाय लेटर ऑर्डिनेट, ऑल वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। टोटल आपके पास जो है अरेंजमेंट वो क्या है, पहले तो यही देख लो, रिपीटेशन है कहीं पे, ओ है, फिर आर है, डी है, आई है, एन है, ए है, टी है और ई है। कोई रिपीट नहीं कर रहा है ना? अरे बोलो भाई, अरे हाँ या ना। वॉवेल क्या है, ओ है, आई है, ए है और ई है, चार वॉवेल है, बोलो। और टोटल हमारे पास कितने वो हैं, एट प्लेस है हमारे पास, दिख रहा है कि नहीं सबको? तो चार इवन प्लेस हैं और चार ऑड प्लेस हैं। अब हमसे कहा गया है कि जो वॉवेल्स हैं वो सिर्फ ऑड प्लेस पे आने चाहिए, तो चारों वॉवेल को हमें कहाँ रखना है बताओ, ऑड प्लेसेस पे। तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए बताओ, फोर फैक्टोरियल हो गए कि नहीं, क्योंकि चार ऑड प्लेस है ना हमारे पास। अरे बताओ, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? नहीं समझ रहे हो क्या? फोर वॉवेल्स, फोर ऑड प्लेसेस, ये बात समझ में, क्योंकि टोटल एट प्लेस हैं, तो उनको अरेंज करने, और बाकी बचे हुए चार प्लेसेस पे चार कंसोनेंट अरेंज कर दो, तो फोर फैक्टोरियल इनटू फोर फैक्टोरियल हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई बताओ? अरे बोलो। अच्छा, सेकंड का आंसर, वर्ड को ओ से शुरू करना है, तो ओ पहले प्लेस पे फिक्स कर दो, बाकी सबको अरेंज कर दो। अगला आओ, वर्ड्स ओ से शुरू होना चाहिए, ई से एंड होना चाहिए, और बाकी बचे हुए सिक्स प्लेस को अरेंज करने के सिक्स फैक्टोरियल वेज हो गए। देख लीजिए, क्या ये बात सबको समझ में आई बताइए। अच्छा यहीं पे मैं कह देता, ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर, तो आंसर क्या होता सोचो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर, तो अब आपका आंसर क्या होता, बोलिए जल्दी। फैक्टोरियल फाइव, ये तो सारा अरेंजमेंट हो गया, और इनटू फैक्टोरियल फोर, वेरी गुड। चार फैक्टोरियल से हमने बाकी वॉवेल्स को अरेंज कर दिया, और पांच फैक्टोरियल से उनको अरेंज कर दिया, वेरी गुड। तो अब इस तरह की चीजें आप समझ गए मतलब, चलो गुड। अब आओ जरा ये, अच्छा यहीं पे एक और, चलो अब बात आ गई तो एक और चीज मैं बता देता हूँ। अब यहीं पे मैं पूछता, नो टू वॉवेल्स कम्स टूगेदर, चलो इसकी बात भी यहीं कर लेते हैं। अब आपको दो वॉवेल्स एक साथ नहीं लेने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले कंसोनेंट अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या अरेंज करते हैं, कंसोनेंट अरेंज हो गए, तो चार कंसोनेंट थे, हमने उन चारों कंसोनेंट को अरेंज कर दिया, बोलो। अच्छा ये हमने क्या अरेंज किया है भाई, कंसोनेंट। अच्छा इसके बाद गैप काउंट किए, वन टू थ्री फोर फाइव गैप्स हुए, इन फाइव गैप्स पे हमें क्या रखना है, इन फाइव गैप्स में हमें क्या रखना है सोचो, वॉवेल।
सबसे पहले हमने किसको अरेंज कर दिया, कॉन्सोनेंट को, मेरी बात समझ में आ गई, और फिर उस गैप में हमने वॉवेल, अच्छा टोटल कितने गैप हमारे पास बन के आ गए, 1 2 3 4 5, और कितने वॉवेल है, 4, तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 5p4, यानी कि 4 factorial into 5 factorial, बोलिए, बाई 4 factorial, और फिर इंटू 4, वही नहीं, हाँ देख लो आराम से, नहीं समझे, अरे हाँ या ना, तो टोटल आंसर हमारे पास कितना आएगा, नहीं इंटू 1 factorial, हाँ एन माइनस बी, तो 5 factorial into 4 factorial, क्या ये बात समझ में आई, बोलो, नहीं समझे मेरी बात, बोलिए, अगर हमें ये कहना है कि कोई नो टू वॉवेल्स कम्स टुगेदर की बात करनी है, तो इसका मतलब सबसे पहले कंसोनेंट अरेंज कर दिए, इसके बाद कोई भी दो वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए ना, तो जो बीच का गैप है वो वॉवेल्स के लिए लेना है, मेरी बात समझ रहे हो, वो गैप कितने बने हमारे पास, बोलो 1 2 3 4 5, उन 5 में से हमें 4 गैप फिल करने, तो 5 into 4 into 3 into 2 हो गया, दैट इज 5 factorial, मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ, अरे हाँ या ना, बोलो, बोलिए, हाँ अगर स्टार्टिंग के 2 गैप और लास्ट के 2 गैप हम लोगों ने फिल किए तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई भी यहाँ इस इन 4 को मैं कोई कहीं भी रखो ना, देखो 1 जैसे मान लो हम यहाँ रख दे 1 2 3 4, तो कहाँ दोनों साथ में है, तुम क्या करो, क्या करें, किसको फिल करें, स्टार्टिंग दोनों ले लूं और के दोनों गैप बीच के दोनों साथ में हो जाएंगे, नहीं नहीं तो ये कंसोनेंट साथ में हो ना, वॉवेल तो तब भी साथ में नहीं हो ना, मान लो ये ले ले ये ले ले ये ले ले ये ले ले, आप बताओ, ये दोनों तो साथ में हो सकते हैं ना, क्योंकि हमें किसको साथ में नहीं रखना, वॉवेल, तो ये जो क्रॉस है ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कंसोनेंट ना, और वॉवेल तो गैप में अरेंज किए ना, तभी तो भाई कम से कम हर 2 वॉवेल के बीच में एक कंसोनेंट तो है ही ना, अगर हम गैप में रखना है चीजें, इसीलिए कभी वो 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे, अब मेरी कहानी समझ गए होंगे आप लोग, गुड, अब ये 3 आंसर, अब ये जो लास्ट अगला क्वेश्चन, इसके 3 आंसर मुझे चाहिए, सब बॉयज को अरेंज कर दें, सही, वेरी गुड, तो बॉयज कितने हैं आपके पास, 5, तो उनको अरेंज करने का तरीका 5 factorial, फिर टोटल गैप काउंट करो, 6 गैप, उसमें से 5 गर्ल्स को अरेंज करो, तो 6p5, तो आंसर क्या हो गया, 5 factorial into 6 factorial, समझ में आया कि नहीं, यस सर, b1 b2 b3 b4 b5, पहले 5 बॉयज अरेंज कर दिया आपने, फिर टोटल आपने गैप काउंट कर लिए, और उन गैप्स में आपको क्या अरेंज करना है, गर्ल्स, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, ये बताओ, गुड, सेकंड आओ, ऑल बॉयज सिट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो क्या होगा, 2 बॉक्स हो गए, बॉयज अरेंज गर्ल्स अरेंज, बोलो, नहीं समझे, भाई सारे बॉयज का एक बॉक्स आपने बना दिया, सारी गर्ल्स का एक बॉक्स बना दिया, बोलो, और उसको आपने अरेंज कर दिया, तो 2 बॉक्स हो गए, 2 फैक्टोरियल, फिर बॉयज आपस में अरेंज, गर्ल्स आपस में अरेंज, सेकंड समझ में आया सबको, थर्ड सोच के बताओ, थर्ड सोचो, ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, मतलब सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो क्या करोगे, टोटल में से जितने सिलेक्टेड हो माइनस कर दें, टोटल में से माइनस कर दें क्या, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऐसा, यस सर, तो इसका मतलब अब तो ये कर ही लोगे, टोटल कितने वेज होंगे, 10 factorial, जब कुछ नहीं सोचेंगे, अच्छा ऑल गर्ल्स अगर एक साथ बैठा दो तो क्या तरीका होगा, बोलो, ऑल गर्ल्स अगर एक साथ बैठा दो तो 6 factorial into 5 factorial होगा क्या, यस सर, ये टोटल में से माइनस कर दो, क्यों समझ में आया, क्योंकि बॉयज b1 5 और एक गर्ल्स का बॉक्स 6 6 factorial, फिर गर्ल्स को आपस में अरेंज कर दो, अब मेरे हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, सोचो भाई अगर हमें पाथ लेना है तो 1 2 ऐसे ऐसे पाथ लेने पड़ेंगे, तो अगर हम ए से बी जाएंगे तो टोटल हमें कितने पाथ लेने पड़ेंगे, सोच के जवाब दो जरा, तो अगर हम हॉरिजेंटली चलें तो 1 2 3 4 5, वर्टिकली चलें तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब हमें क्या करना है,
फ्रॉम फॉर एक्स टू वाई अगर हमें जाना है तो 5 हॉरिजेंटल पाथ लेने एंड 4 वर्टिकल पाथ लेने, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? 5 हॉरिजेंटल स्टेप लेने पड़ेंगे और 4 वर्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे, अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब टोटल वेज कितने हो गए पहले में बोलो? 9 फैक्टोरियल, 5 हॉरिजेंटल और 4 वर्टिकल, क्या ये बात आपको समझ में आया बताओ? पहला पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छा सेकंड, सेकंड में कह रहा है कि आप हमको x से y जाना है मगर, अब आपको कह रहा है कि x से y जाना है मगर b से होते हुए जाना है, तो पहले हम x से कहां जाएंगे? b पे, फिर b से कहां जाएंगे? y पे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? पहले हम x से b पे पहुंचेंगे फिर b से y पे पहुंचेंगे, तो अब x से b जाने में आप क्या करोगे बोलो? x से b जाने में आप क्या करोगे? 2 हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल लोगे। और b से y जाने में आप क्या करोगे? 3 हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल लोगे। तो टोटल वेज कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अरे हाँ या ना? अच्छा अब मैं यहीं से आपसे सवाल पूछता, तीसरा सवाल था मेरा कि नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई बट नॉट वाया बी, अब आंसर क्या होता है बताओ? नॉट वाया बी, बोलो। अब बी नहीं लेना है तो क्या करोगे? टोटल में से क्या माइनस कर दोगे? वेज वाया बी। तो टोटल वेज हमारे पास कितने थे? 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और बी के टोटल वेज कितने थे? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आया कि नहीं भाई? हमें बी से अब नहीं जाना है तो टोटल में से वो वेव माइनस कर दो जिसमें बी का यूज हो रहा हो, सीधा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। फर्स्ट आंसर क्या लिख रहे हो? 17 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सेकेंड आंसर क्या लिख रहे हो? वाया ए, तो वाया ए में 3 और 4, 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फिर बचे कितने हैं? 10। 7 फैक्टोरियल इधर बचे बोलो, तो 10 बचे, और 10 टोटल, हाँ 10 टोटल और बच गए, तो 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बोलो। यस सर। चलो थर्ड का बताओ, वाया बी, तो 8 और 5 13 बचा क्या? 13 बाई 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बचे कितने? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगला सवाल इंपॉर्टेंट था कि आपको वाया ए तो जाना है मगर वाया बी नहीं जाना है, तो बताओ क्या करोगे? तो वाया ए जाना है मगर वाया बी नहीं जाना है, मतलब ए तक तो पहुंचना है मगर बी से नहीं जाना है, तो सिंपल काम करो पहले ए पहुंच जाओ। अब हमें यहां से यहां जाना है मगर ये यूज नहीं करना है, तो ऑब्वियसली यहां से यहां जाने में पहले इसको यूज कर लो, पहले टोटल वेज निकाल लो फिर इसको यूज करते हुए वे निकाल लो, और टोटल में से इसको यूज करते हुए वे क्या कर दो? माइनस कर दो। मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो भाई, मेरी बात समझे? ये यहां से यहां तो हमें जाना ही है, तो क्या करोगे बताओ? 7 फैक्टोरियल अपॉन सबसे पहले x को a जाओगे, हाँ या ना? फिर अब a से जाओगे y और बट नॉट वाया b, तो इसका मतलब पहले x से a आओ, तो x से a आओगे तो कितना होगा? 3 एंड 4 बोलो, तो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। अच्छा इसके बाद टोटल क्या बचा? 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसमें से क्या माइनस करना है? वाया बी जाने वाला, तो 1 2 3 4 5 इंटू 1 बोलो भाई, तो 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल
5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल और बचा कितना 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बोलो भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये माइनस कर दो। क्या ये पूरी कहानी हमें समझ में आ रही है बताओ? यस सर। कैसे कैसे कौन सी चीज क्यों सोच रहे हैं ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अरे yes, हाँ sir. या ना बोलिए। पहला क्वेश्चन नो रिस्ट्रिक्शन आंसर इज 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल ऑल लेडीज कम्स टुगेदर 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल बोलो भाई। भाई ऑल लेडीज कम्स टुगेदर तो सारी लेडीज एक साथ हो गई एक बॉक्स और बाकी 5 बताओ 6 और फिर लेडीज बाद में अरेंज करोगे लेडीज है ना लेडीज अच्छा 5 है तो 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल हाँ सॉरी 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 चलो ठीक अगला बताओ ऑल लेडीज आर टुगेदर एज वेल एज ऑल जेंट्स आर टुगेदर 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल वेरी गुड अगला बताओ नो टू लेडीज कम्स टुगेदर हां सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे जेंट्स को 5 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल हां फिर वही 6 में से बाय 5 फैक्टोरियल इनटू ठीक है नाइदर टू लेडीज कम्स टुगेदर तो टोटल में से कम्स टुगेदर माइनस कर देंगे बोलो फिर L1 L2 comes together अब बताओ तो L1 L2 को एक बॉक्स बना दो yes, बना दिया तो अब टोटल कितने हो गए आपके पास 9 बोलो 9 फैक्टोरियल हो गए अरे हाँ यार 9 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल वेरी गुड अगला बताओ G1 G2 नेवर टुगेदर तो टोटल में से क्या माइनस कर दोगे जब G1 G2 टुगेदर है यस सर बोलो यस सर अब L1 L2 टुगेदर है और G1 G2 भी टुगेदर है अब क्या करोगे L1 L2 भी टुगेदर है G1 G2 भी टुगेदर है तो 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल वेरी गुड 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल अगला L1 L2 तो टुगेदर है बट G1 G2 कभी टुगेदर नहीं है तो L1 L2 टुगेदर है अरे हाँ या ना बट G1 G2 टुगेदर नहीं है बोलो तो L1 L2 टुगेदर है वो ले लिया तो टोटल वेट हमने तब निकाली है जब L1 L2 टुगेदर है उसमें से वो माइनस कर दो जिसमें L1 L2 और G1 G2 दोनों टुगेदर है नहीं समझे मतलब ये वाला केस हमने कैसे निकाला है क्या ये सबको समझ में आया नहीं आया बताओ यस सर इसको गैप मेथड से भी तो कर सकते हैं गैप में नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं गैप में नहीं कर सकते ना क्योंकि G1 G2 कभी साथ आ ही नहीं सकते अच्छा हाँ वैसे करके नहीं नहीं बट L1 L2 को एक साथ रखना है ना तो अच्छा हाँ रख के हाँ फिर G1 G2 बीच के गैप में रख दोगे माइनस करके कर सकते हो बट जब हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि L1 L2 G1 G2 एक साथ आ रहे हैं और फिर तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा ना मतलब इसमें हमने क्या किया वेज G1 G2 टुगेदर समझे और उसमें क्या माइनस कर दिया वेज सॉरी L1 L2 टुगेदर उसमें क्या माइनस कर दिया वेज जिसमें L1 L2 टुगेदर G1 G2 टुगेदर एंड G1 G2 टुगेदर लास्ट वाले का आंसर जल्दी से बता दो L1 L2 not together, G1 G2 not together. L1 L2 भी together नहीं है और G1 G2 भी together नहीं है. बोलो. इन दोनों के together वाला minus कर देंगे. अब हम total में से minus करेंगे. क्या चीज? दोनों का together वाला. Two factor into two factor. अब minus होगा total ways में से. ये ध्यान रखिएगा. पहले किससे minus हो रहा था? L1 L2 together से. अब मेरे हिसाब से इस तरह की जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आराम से सॉल्व कर लेंगे बोलिए तो माइनस करेंगे जिसमें जेंट्स मतलब जेंट्स भी टुगेदर में यानी कि 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल माइनस करेंगे ना नहीं ना तो 2 लेडीज टुगेदर नहीं होंगी तो जेंट्स के बीच में ही तो लेडीज आएंगी भाई ऑल लेडीज आर कम्स टुगेदर सेम ऑल जेंट्स आर कम्स टुगेदर सेम तो टोटल में से हमने वो माइनस कर दिया ना जिसमें ना तो लेडीज टुगेदर हो ना ही जेंट्स टुगेदर हो मतलब तो अच्छा यार नहीं 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 इसमें एक चीज है 2 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई होगा ना तो एक इसमें 2 भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
क्योंकि लेडीज और जेंट्स दोनों एक साथ टुगेदर नहीं होनी चाहिए। ठीक,